आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। मानवता और रिश्ते को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जी हां, सौतेली मां की यातना से परेशान एक बेटी घर से भाग गई। पुलिस और समाज सेवियों ने इसकी जिंदगी को ही संवार दिया। सौतेली मां आखिर सौतेली ही होती है। लाखों में कोई एक ही ऐसी होती है जो सौतेली होकर भी अपने बच्चों के साथ स्नेह और प्यार का बर्ताव करती है। लेकिन गुमला जिले के घाघरा स्थित नवडीहा में एक महिला ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी को यातना देने के लिए पहले उसकी पढ़ाई छुड़वाई, फिर मारना पीटना रोज की नियति बन गई। लेकिन नाबालिग लक्ष्मी तब बेबस और लाचार हो गई जब उसके पिता सौतेली मां ने उसे अपने घर में बेड़ियों में जकड़ कर रख दिया। सौतेली मां और शराबी पिता से तंग आकर लक्ष्मी घर छोड़कर भाग गई। लक्ष्मी किसी तरह गम्हरिया के समाज सेवी सुरेश गोप के घर तक पहुंची। सुरेश गोप ने बच्ची को देखकर पहले तो ये सोचा बच्ची मानसिक रोगी होगी, लेकिन जब उससे बातचीत की तब मामले का खुलासा हुआ कि उसकी सौतेली मां से यातना दे रही है। समाज सेवी ने पहले बच्ची को भोजन कराया, स्थानीय पुलिस को सूचना दी, फिर घाघरा थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने मानवता के तहत सबसे पहले बच्ची के पैर में बंधी बेड़ियों को कट्टर मशीन से कटवाया। नाबालिग लक्ष्मी को CWC को सुपुर्द किया। बहरहाल लक्ष्मी काफी खुश है, समाज और पुलिस प्रशासन ने उसे नई जिंदगी दी। लक्ष्मी काफी खुश थी, अब उसे यातना नहीं बल्कि अपनों का प्यार मिलेगा। अगर समाज के लोग ऐसे ही मदद को आगे बढ़े तो समाज में कोई अनाथ को परेशानी नहीं होगी। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आज शाम में सूचना मिली कि गम्हरिया में एक लड़की बेड़ियों से बंधी हुई है, तो उसकी सूचना के सत्यापन में गए, पता चला कि लड़की नौडीहा के भंडार टोली की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी है, उम्र 15 वर्ष है, जिसे करीब दो महीने से बेड़ियों में उसके पिता माता पिता के द्वारा जकड़ के रखा गया है, जिसे हम लोगों ने पुलिस के द्वारा घाघरा में लाकर उसके बेड़ियों को कटवाया गया तथा उसके मेडिकल जांच के बाद CWC को सौंप दिया गया। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।